और इस वक्त बड़ी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के क्वेटा में जबरदस्त धमाका हुआ है और धमाके में मरने वालों की संख्या 21 हो गई है। धमाके में कहा जा रहा है 30 लोग घायल हुए हैं और क्वेटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर यह धमाका हुआ। अब कहा यह जा रहा है भीड़ ज्यादा होने की वजह से मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। पाकिस्तान के क्वेटा में यह धमाका हुआ और वहां से जो सीसीटीवी फुटेज आया है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए आप, रेलवे स्टेशन के अंदर जोरदार धमाका जिसमें 21 लोगों की मौत हुई है, 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन पर लोग मौजूद थे जिस वक्त ये धमाका हुआ और अब वहां की पुलिस की ओर से अभी तक ये कहा गया है कि ये आत्मघाती हमले जैसा लग रहा है। लोगों की भारी भीड़, पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर यह धमाका हुआ और वहां का जो फुटेज है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये धमाका हुआ है उसी वक्त का ये फुटेज, ये देखिए आप एक धमाके की तस्वीर और धमाके के बाद वहां किस तरीके का मंजर था, ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। जोरदार ये धमाका हुआ, 21 लोगों की मौत हुई है, 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। क्वेटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर यह धमाका हुआ है। आशीष कुमार सिंह मेरे सहयोगी इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ये क्या और डिटेल्स वहाँ से मिल रही है, कितने लोगों की जान, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भीड़ ज्यादा है और मरने वालों में इजाफा हो सकता है, क्या अभी और डिटेल्स आ रही है? देखिए, 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 21 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उसके मुताबिक बड़ा ये हमला किया गया है बलूच लिबरेशन आर्मी। आप जानते हैं कि बलूचिस्तान को लेकर के एक अलग वहां पर आंदोलन चल रहा है पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इतना बड़ा जो हमला किया गया है क्वेटा के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर, और जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक हम सीसीटीवी में भी देख सकते हैं 21 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। और जैसा वहां के लोकल सोर्सेज बताते हैं दीपा, उसके मुताबिक मरने वालों की संख्या और गंभीर रूप से घायल लोगों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। यानी ये बहुत बड़ा हमला था जिसे क्लेम किया है बलूच लिबरेशन आर्मी ने। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। शुक्रिया आपका आशीष पूरी जानकारी के लिए। मरने वालों की संख्या में और इजाफा हो सकता है जिस तरीके की भीड़ वहां पर दिखाई दे।